देखो आज के टॉपिक में ना हम लोग मतलब ये देखेंगे कि आखिर जैसे रेजोनेंस जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, तो रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है और उसका बेस्ट एप्लीकेशन हम लोगों को एरोमेटिसिटी के अंदर देखने को मिलता है। और एरोमेटिसिटी का बेसिक रूल जो है वो सबको पता होता है कि एरोमेटिसिटी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रूल होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि अगर हमको एरोमेटिसिटी अगर चेक करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक है कि नहीं। पहले तो हमको ये देखना होता है कि वो साइक्लिक है कि नहीं। सेकंड क्या है कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। और प्लेनर होने के लिए तुमको पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो बेंजीन का फेवरेट हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें sp2 में क्या शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है इस तरह का। तो वो एक ही प्लेन के अंदर होता है। और अगर ये मान लो sp2, अगर कोई कार्बन अगर sp2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एस हो गया और दो पी इन्वॉल्व हो गया। तो मान लो अगर ये पीएक्स यहाँ पे आ गया और ये मान लो पीवाई अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में चला गया तो हमारे पास पीजेड ऑर्बिटल होता है। और पीजेड ऑर्बिटल जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है किससे, एक्स वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। नहीं सोचो ना, मतलब ये जो तुम्हारा sp2 जब हम बनाते हैं तो मान लो पीएक्स और पीवाई अगर इन्वॉल्व होगा तो उसका प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। और एक्स वाई प्लेन अगर है, मान लो ये मेरा प्लेन है, तो जो पीजेड ऑर्बिटल होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमको ये याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो है ना पीजेड ऑर्बिटल्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिछले क्लास के अंदर हमने तुमको बताया था कि रेजोनेंस के अंदर हम लोग को रेजोनेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम लोग हर जगह देखते थे वो ये देखते थे कि पीजेड ऑर्बिटल्स का आपस में एडजेसेंट होना बहुत जरूरी है रेजोनेंस के होने के लिए, है ना। ऐसा अगर तुम लोग को याद हो थोड़ा बहुत, जो कि मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी अगर याद हो तो तुमको हमने बताया था कि रेजोनेंस के लिए बेसिक कंडीशन ये होता है कि जो पीजेड ऑर्बिटल्स हो एडजेसेंट हो, कि ये इससे भी ओवरलैप कर सके, ये इससे भी ओवरलैप कर सके, ये इससे भी ओवरलैप कर सके। तो जहां पे इस तरह का चांसेस बनता है वहां पे हम लोग बोलते हैं क्या कि रेजोनेंस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये पीजेड ऑर्बिटल है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका हम लोग sp2 के जनरली sp2 बोलते थे। वैसे sp में भी हो सकता है ये काम, बट sp2 ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर sp2 ही पाया जाएगा। तो हमको ये समझना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर क्यों, क्योंकि sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अंदर आएगा और पीजेड ऑर्बिटल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो ये पीजेड ऑर्बिटल का मतलब होना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स के होने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखते हैं। तो पहला कंडीशन है साइक्लिक होना, प्लेनर होना और कॉन्जुगेटेड होना। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे तुमको पता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ लोन फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के केस में यहाँ पे हम लोग नहीं देखते। तो कॉन्जुगेटेड तुमको पता है कि डबल बॉन्ड होगा, बगल में सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, इस तरह का कंडीशन एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट यहाँ पे ये होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब पूरे साइकिल में कंजुगेशन होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल के रूप में अगर देखे, अगर अभी मान लो ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है, अगर तो देखो यहाँ पर बताओ ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। ये सिस्टम यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बट यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड, सर कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बट ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड यस सर, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मुंह मत खोलना, ठीक है। अरे बोलो तो, अच्छा आप बोलेंगे नहीं तो मतलब तब तक तो मुंह नहीं खोलोगे, हाँ ठीक है। यही डिसिप्लिन तुमको चाहिए आंसर देते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है बट यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो हमको ये समझना है कॉन्जुगेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए और हमको साइक्लिक कॉन्जुगेशन चाहिए। साइक्लिक मतलब चूंकि कंपाउंड साइक्लिक है तो पूरे साइकिल में, मतलब पूरे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन चाहिए। और ये तुम लोग का फेवरेट जो रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिसको हम लोग हकल रूल बोलते हैं। और कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिक हो जाता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, जो हम लोग बाद में MOT डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि आखिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन, चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पांचवा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये कंडीशन नहीं है, ये इसका मतलब फीचर है कि कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो वहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके साथ एसोसिएट हो जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का हमारे पास मतलब पता चल जाता है। उसी तरह से हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया, तो एंटी एरोमेटिक में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो संख्या है फोरेन हो जाता है, जैसा तुम लोगों को पता है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का संख्या फोरेन हो गया, और जिस तरह से वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होता है उसी तरह से ये एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज होता है। तो इसका मतलब कोई एंटी एरोमेटिक है तो उसके अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो उसके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर उनको एग्जिस्ट कराना होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में एग्जिस्ट कराना होता है। तो कहने का मतलब कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पे जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी ये सब कंडीशंस तो रहेगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इनस्टेबिलिटी उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो ये मेरा एंटी एरोमेटिक हो गया। उसके बाद तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब वही कि वो या तो एरोमेटिक ना हो या तो एंटी एरोमेटिक ना हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ये जो केस हमने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है, बट ये वाला जो कार्बन है, हाँ जी बोलो तो जरा सा धीरज, धीरज यस सर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? इस कार्बन का हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं है इस टॉपिक को करने के लिए। एसपी, एसपी सर, एसपी है ये, इस वाले का ऊपर वाला ना सर, ऊपर वाला, हाँ ये वाला रे गधा, ये वाला, ये वाला, हाँ सर एसपी। कैसे पता चलता है एसपी है कि क्या है? सिग्मा, सिग्मा दो बॉन्ड है, सिग्मा दुए को है रे गधा, और ये हाइड्रोजन का कौन बॉन्ड बनाएगा यार? यस सर एसपी थ्री। हाँ आज डोज ज्यादा हो गया दारू का? नो सर, नो सर। अच्छा थोड़ा कम ही है, मतलब तब भी चढ़ गया है ज्यादा? नहीं, नो सर। क्या बोलेंगे इसको? sp3। sp3 है तो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा? ये नॉन प्लेनर। कैसा शेप होता है sp3 का? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मारे थप्पर से तुमको ना सही में चढ़ गया। अरे कुछ भी बोल रहा है क्या? सॉरी सर, कुछ भी बोल रहा है। sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना जी, ट्राइगोनल पिरामिडल कहाँ चले गए तुम? क्या हो गया तुमको, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है सर। ठीक है तब ऐसे जवाब दे रहे हो, तो नहीं ठीक रहा तो कैसे जवाब दो? सॉरी सर। अरे ध्यान से दो, ऐसे ही मतलब इजी टॉपिक है ये सब तो बताओ। इस तरह का गलती करोगे, हम यहाँ तुम लोग को 99% लाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तुम तो यार इधर 9% के लाइक आंसर दे रहे हो, तो कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूज का तो इसमें कोई बात ही नहीं था। अरे एसपी में क्या होता है, एसपी में तुमको दो को डबल बॉन्ड भी तो दिखना चाहिए ना, जहां नहीं दिखता वहां पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन थोड़ी बनाते चलेंगे, हमारे पास इतना फुर्सत थोड़ी होता है। हाँ खैर छोड़ो, तो ये sp3 हो गया, sp3 हो गया तो नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया तो इसका मतलब कि ना तो ये एरोमेटिक है ना तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक, मतलब जो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक भी अगर sp3 एटम आ जाए, है ना, और या तो अगर वो नॉन प्लेनर हो जाए या वो साइक्लिक ना हो, नॉन साइक्लिक हो, तो ऐसे केस में हमारे पास कैसा कंडीशन आता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन आता है। और इसका स्टेबिलिटी कहाँ रेंज करेगा बताओ, एरोमेटिक से कम होगा और नॉन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होता है। तो बीच का जो बचा वो कौन लेगा जगह? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग को एकदम पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है ये तुम लोग को पता है। ठीक है, तो एरोमेटिक हो गया, ये सब पता है तुम लोग को, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और फिर नॉन एरोमेटिक। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो, मान लो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू क्या लेते हैं, 0, 1, 2, 3 जो भी लेना है ले सकते हैं। तो अगर 4n+2 रूल लगाए और n अगर 0 है तो 2 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि समझ रहे हो सब लोग? समझ रहा है। हाँ, तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अगर तुम इसको छोड़ो, जैसे एक पाई बॉन्ड होता है तो कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अगर हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो पाई बॉन्ड कितना होगा, 1, इसमें कितना होगा, 6 के जगह 3, 10 अगर है इलेक्ट्रॉन तो 5, 14 है तो कितना, 7, 18 है तो कितना, 9। इसका मतलब ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक।
बट सिर्फ पाई बॉन्ड से नहीं देखेंगे, बाकी चीजों को भी देखना होगा। तो ये मतलब ये हकल का कॉन्सेप्ट है ये सब बताने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14, 18 ऐसा देख लो, या पाई बॉन्ड का संख्या गिन लो। अगर ऑड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि वो एरोमेटिक है। उसी तरह से एंटी एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना होगा, 2, 4, 6 और 8, इवन नंबर ऑफ अगर पाई बॉन्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में बोलेंगे क्या कि वो एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है। तो इसका मतलब यहां से ये सीख के चलना है कि पाई बॉन्ड अगर ऑड नंबर्स में अगर हो, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर कि वो एरोमेटिक है, और अगर इवन में हो तो हम लोग एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, है ना। तो इसी लॉजिक से अगर हम लोग ये सवाल अगर पढ़े, अगर हम लोग इसी लॉजिक से अगर ये देखें, अगर मान लो यहां पर जैसे ये वाला ही देख लो, ये तो तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल है बेंजीन का, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बताओ ये प्लेनर होता है कि नहीं, बेंजीन प्लेनर होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। साइक्लिक दिख रहा होगा, साइकिल है पूरी तरह से, क्लोज साइकिल है। यस सर। पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पे। यस सर। ऑड में है और कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? यस सर। यस सर। कॉन्जुगेटेड है या कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है? एरोमेटिक बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते नहीं, इसको बोलते ही है, बेंजीन का तो एकदम फेवरेट ही है, एरोमेटिक ही है ये। अच्छा ये देखो जरा सा, ये साइक्लिक है? नो सर। ये साइक्लिक है? यस सर। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? नो सर। ये वाला क्या है, sp3 और sp3 हो गया? यस सर। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। अच्छा ये वाला बताओ जरा सा, ये वाला जो है तुम्हारे पास साइक्लिक है? यस सर, साइक्लिक है पर नॉन एरोमेटिक। यस सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड 1 हो गया। यस सर। ऑड में है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, क्यों? क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और sp3 हमको नहीं चाहिए भाई, क्या चाहिए हमको? प्लेनर चाहिए सर। sp2 या sp भी रहेगा कहीं कहीं तो चल सर। प्लेनर। यस सर, sp भी। यस सर। हाँ तो ये बताओ क्या एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? Non-aromatic. चलो ठीक है, ये बताओ इसको क्या? ए, तुम लोग यार माइक ऑफ रखो, पहले चैट में लिखो तो आंसर अपना, तुम लोग माइक कोई ऑन नहीं करेगा, चैट में लिखो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाली चैट में लिखना है, ठीक है? देख सकते हो साइक्लिक नहीं है ये, समझ गए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है बट साइक्लिक नहीं है, तो सबको पता है अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ठीक है? आंसर सब लोगों ने सही दिया है। ठीक है, सबका आंसर सही है। अब इसको देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है बताओ, साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि हर यहाँ पर हर जो चीज है वो sp2 है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड भी जो है वहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, पूरे साइकिल में कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है? जिसका आंसर पूछेंगे उसी का आंसर बताना, अब इसका आंसर मत बताओ, इसका मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो पहले। तो ये कॉन्जुगेटेड है और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, जो तुम लोग बता रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब देखो इस कंपाउंड के साथ होता क्या है ना, जरा समझने की कोशिश करना कि ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है ये? अनस्टेबल कंपाउंड है। अब सोचो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो यहाँ तुमको ये दिख रहा है ना, जो शेप दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप नहीं होता है, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है। ये रेक्टेंगुलर शेप में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो है तुम्हारा, ये जब भी अगर एग्जिस्ट करता है ना तो इस तरह से करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है वो बाई रेडिकल के फॉर्म में आता है, ये मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद,
कि आखिर यहाँ पे बाइरेडिकल, बाइरेडिकल समझते हो सब लोग, दो रेडिकल है, मतलब अगर एक कार्बन पे एक डॉट है तो वो रेडिकल कहलाएगा। बाइरेडिकल का मतलब कि दो कार्बन पे दो जगह डॉट है, तो ये ना ये मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करता है, और इस तरह से अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सब अलग अलग हो गया, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। जैसे हमने तुमको बताया था इस केस में, देखो इस केस में अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर जो छयो बॉन्ड है, ये जो छयो बॉन्ड है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है ना, सब एक ही लेंथ का होता है, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। क्यों? चूंकि कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे क्या है सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, बट उसके अंदर कॉन्जुगेशन इस तरह से नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह से मतलब उसको फैला सके, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ये अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर हम ये लिखते हैं और ये लिखते हैं तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया। देखो यहाँ पे जो ये डी है, डी मतलब ड्यूटीरियम है, और यहाँ पे जो डी है ये तुम्हारा ड्यूटीरियम, तो ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस है, सॉरी डबल बॉन्ड के अक्रॉस है, और यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस लिख दिया, इसको ऐसा मान लो, इसको तुम ऐसा मान लो, ये और ये डी है मान लो इस तरह से, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हटा दो, ये स्ट्रक्चर वन है मान लो और ये स्ट्रक्चर अगर टू है, तो ये वन और टू जो है वो दोनों बराबर स्ट्रक्चर नहीं है। कभी भी गलती से ये मत बोल देना कि वन और टू सेम हो गया, क्योंकि बेंजीन में हमने तुमको बताया था कि बेंजीन में अगर हम यहाँ पे डी लगाएं ऐसा, बेंजीन में अगर हम यहाँ पे ऐसा डी लगाएं और चाहे हम ऐसा में डी लगाएं, दोनों सेम कंपाउंड को बताता है, वो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में दो सब्सिट्यूएंट हो चाहे डबल बॉन्ड के अक्रॉस में हो, दोनों जगह पे क्या होता है बताओ, दोनों जगह पर इसका जो प्रोडक्ट है ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट कहलाता है। क्यों? चूंकि हाइब्रिड ये बताता है कि सब बॉन्ड जो है बराबर बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन इस तरह से नहीं हो पाया है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस फॉर्म में जिस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ये बायरेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे रहता है, मतलब ये बायरेडिकल मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। तो ये जो कंपाउंड है वन और टू कभी भी इक्वल नहीं होगा, और वन और टू को हम क्या बोलेंगे, वन और टू जो है, वन एंड टू जो है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स हैं, है ना, ये क्या है आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीरियम का पोजीशन अलग अलग हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के क्रॉस है। और अगर ऐसा है तो देखो, अगर इस वाले बॉन्ड का लेंथ अगर एक्स है और इस वाले बॉन्ड का लेंथ अगर वाई है और ये दोनों बॉन्ड आपस में बराबर है ही नहीं, इसका मतलब कि एक्स और वाई जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, और एक्स और वाई क्या है, बॉन्ड लेंथ है। सो यहाँ पर दोनों बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बोलो इतनी बात अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो सब लोग। क्या क्या पता करना है? सबसे पहला ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब कि चारों बॉन्ड एक समान नहीं है, ये बायरेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है। और अगर ड्यूटीरियम लगा है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे तो ये दोनों आइसोमर्स बताता है। इतना बात अगर क्लियर है तो वो सब सही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, देखो समझो, इसको हम ऐसा लिखे और ऐसा लिखते हैं तो ये तुरंत क्या करता है, डाइमराइज हो जाता है। और कैसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये आगे तुमको काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम तुमको अभी से ही समझा दे रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई आए तुमको, और मतलब ये डॉट ना थोड़ा नीचे ही अज्यूम कर लेना, है ना, ये कार्बन पे है, तो अब देखो होता क्या ना, ये वाला देखो इस कार्बन पे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलेगा और शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, देखो ये वाला कार्बन आपस में मिल जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ वाला कार्बन आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो एक रिंग ये था, एक रिंग ये था, और ये दोनों जब मिलेगा तो बीच वाला रिंग ऐसा आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो हाँ, तो ये क्या हुआ, डाइमराइजेशन हो गया। क्यों डाइमराइजेशन हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये बायरेडिकल्स है और बायरेडिकल्स आपस में क्या कर गया, आपस में मिल गया और वो एक तरह का इस तरह का कंपाउंड बना लिया, डाइमराइज हो गया।
और ये डाइमराइज क्यों हो पाया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था, ये बाई रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बाई रेडिकल क्यों होता है ये हम लोग फ्रोस सर्कल से समझेंगे और एमओटी डायग्राम से समझेंगे कि बाई रेडिकल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। चलो यहाँ पर देखो, ये वाला केस अगर हम देखें तो ये फिर से वही सेम कहानी है, ठीक है। चलो तुम लोग बताते चलो, तुम लोग को आता है ये सब, मैं नहीं बताऊंगा। चलो इसको मान लो ए, इसको बी और इसको सी, चैट में लिखते चलो ए क्या है। हाथ नीचे कर लो जो लोग ऊपर किए हो। हाँ पहले ए वाला लिख दो फिर हम लोग बी पे चर्चा करेंगे। पहले ए का लिखो, हड़बड़ाओ मत ज्यादा, मन लबलबा जाता है तुम लोगों का नहीं इजी क्वेश्चन देख के। तो पहले ही बोल देते मैं नहीं पढ़ाता ये वाला टॉपिक, मेरा भी समय बच जाता क्या। है ना, ये क्या हो गया बताओ, ये सेम चीज हो गया यहाँ पर कि यहाँ sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन है इसका मतलब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और sp3 है नॉन प्लेनर इसका मतलब ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें, अगर यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं बी में, देखो यहाँ पर ये है और ये पॉजिटिव है, क्या करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा तो इसके बाद इस तरह से बन जाएगा, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहां बीच में प्लस होगा। तो ये साइक्लिक रेजोनेंस यहां पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहां पे क्या है, यहां भी सेम चीज है बट यहां पे क्या है, लोन पेयर जो है तुम्हारा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, और यहाँ जो लोन पेयर है उसको भी हम पाई बॉन्ड की तरह मानेंगे। देखो रेजोनेंस के अंदर हम जब तक रेजोनेंस हो रहा है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे जब तक जरूरत पड़ रहा है उसको, और जो रेजोनेंस के अंदर आ गया उसको तुम पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करो। और ये लोन पेयर है मतलब कार्बन पे जो है तुम्हारा, कार्बन पे माइनस है, इसका मतलब क्या, ये कार्बन पे एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो होगा वो यहाँ पर बिहेव करेगा इस तरह से, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये वाला चीज यहाँ चला जाएगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर देखोगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4n रूल यहाँ लगने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। हाँ जी दिवाकर बोलो सर, सबको बोलिए चेयर मतलब आंसर आपको देने के लिए, हमेशा स्क्रीन पे आते रहते हैं। क्या बोलते रहते हो, मतलब आंसर सर आपको दे, एवरीवन में नहीं देने के लिए बोलिए। हाँ एवरीवन में आंसर मत दो जी, सब लोग हाँ मेरे को आंसर दो, हाँ ठीक है एवरीवन में आंसर मत दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये तुम्हारा एरोमेटिक और ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। तो जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे साइक्लिक रेजोनेंस कराने का। तो यहाँ पर भी साइक्लिक रेजोनेंस है, ये वाला भी एंटी एरोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो बताओ ये साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सारा कार्बन जो है sp2 है, कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, है ना, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बोलेंगे चैट में लिखो। रोशन एरोमेटिक क्यों लिख रहा है गधा, रोशन अब फिर तुम एवरीवन में आंसर दिया है। सिमरन वन का आंसर भी आया है एरोमेटिक, कौशल का भी आंसर एरोमेटिक, ये कहां तुम लोग कौन सी का आंसर दे रहे हो, है ना एरोमेटिक, ये बनाए हैं वो एरोमेटिक ही ना है, अरे यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर थोड़ी हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड है दो बॉन्ड है तो दो ही तो यहाँ पर पाई बॉन्ड हुआ, और दो है तो ये इवन हुआ, चार हुआ ना, चार हुआ तो ये क्या बोलेंगे इसको, इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे।
सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन देख के लबलबाओ मत सब लोग। चलो इसको बताओ ये क्या है, ये मान लो ए बी और सी, ए का आंसर बोलो। ये अभिनीत का एक अलग ही नॉमिनक्लेचर आ गया, एन एन हो गया, ये एन एन क्या है जी, एन ए होगा ना, गलती से लिखा गया है। अरे कौशल का ए क्यों आ रहा है, ए कहां से है रे गधा, ये वाला कार्बन क्या है, एसपी थ्री कार्बन है ना ये, और ये वाला कार्बन भी एसपी थ्री हो गया, तो ये क्या हो गया, एन ए हो गया। चलो बी वाले का आंसर बताओ सब लोग। अभी सबका आंसर नहीं आया है, कृपा करके सब लोग आंसर दें यहां पर, और इसमें काफी लोगों का गलत आंसर भी आया है। बहुत लोगों का गलत आंसर है यार इसमें, देखो समझो। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक ही तो पाई बॉन्ड है ये वाला, तो अगर हम यहाँ देखो साइक्लिक तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि sp2 है। अच्छा ये कार्बो केटायन जब हम लोग पढ़े थे CH3+, तो इसका हमने क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 नहीं बताया था क्या, कि कार्बो केटायन रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और कार्बो केटायन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है कि उसको भी तुम काउंट करो, उसमें कुछ नहीं होता है। कार्बो केटायन जो होता है वो वेकेंट ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, है ना, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कार्बो केटायन है तो ये ना वेकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो ये किस तरह का केस हो जाएगा, इस तरह का केस हो जाता है। ये वाला केस अगर मान लो हम लेंगे, यहाँ कार्बो के टायन है तो यहाँ का पी ऑर्बिटल ऐसा, ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल, ये पीजेड, ये पीजेड और ये पीजेड, और ये पीजेड कौन सा वाला केस हो गया, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल वाला केस हो गया, वेकेंट पी ऑर्बिटल वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब देखो ये कार्बो केटायन है तो ये sp2 है, ये sp2 है तो प्लेनर तो है ये। अब बात आता है यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, काउंट करो ना टोटल, यहाँ पे एक ही तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो हर नंबर से भी अगर चलेंगे तो एरोमेटिक ही पाया जाएगा ये, है ना। अगर इसमें तुम रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करोगे तो कैसे रेजोनेंस होगा, इस तरह से होगा रेजोनेंस, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, इसका रेजोनेंस दिखाओ, ये वाला डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आओ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर थोड़ा और चेंज करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड को यहाँ लेकर आओ तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा, है ना। इस तरह से पूरा मतलब इस तरह से चलेगा। फिर उसके बाद अगर और करोगे, मतलब मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ लेकर आओ तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम कितना रहा है, दो ही पाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है पूरे सर्कल में, पूरे साइकिल में दो ही पाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। दो पाई का मतलब क्या हो गया, हकल नंबर है ये, और हकल नंबर है इसका मतलब ये एरोमेटिक हो गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा रहेगा गोल पूरा और बीच में कितना, टू पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है भाई, है ना, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है जो पूरे मतलब साइकिल के अंदर घूम रहा है, ठीक है। राखी, यस सर, बोलो क्यों तुम्हारा एंटी एरोमेटिक आ रहा था, अभी समझ में आया एरोमेटिक है ये। यस सर, यस सर। अंशिका, यस सर। अभिनीत, समझ में आया कि नहीं आया अंशिका? हाँ सर, सॉरी, आ गया सर। हाँ अभिनीत आ गया सर। हाँ ठीक है,
चलो ये वाला सी वाला बताओ क्या होगा। अरे कार्बन पे प्लस है मतलब वो वेकेंट और वाइटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कार्बन पे अगर माइनस है इसका मतलब उसके पास लोन पेयर है, ये समझो। और ये लोन पेयर जो है इसको तुम पाई बॉन्ड की तरह मान सकते हो जहां जरूरत पड़ेगा तो। अरे गधा रोशन ये बताओ फिर से तुम्हारा ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे आ गया गधा रोशन। रोशन कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें? सर उसमें एक ही नेगेटिव ना घूमेगा। अरे गधा एक ही नेगेटिव क्यों घूमेगा? ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, सारा इन्वॉल्व हो जाएगा ना इसमें। और एरोमेटिक होने से क्या आता है? स्टेबिलिटी आता है ना, जब स्टेबिलिटी आएगा तो वो कैसे भी करके अचीव करना चाहेगा। तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी आएगा, देखो ये वाला क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये लोन पेयर फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ और दो यहाँ, तो ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और इसको अगर देखें से दिखाते हैं इसको हम लोग कभी कभी, और यहाँ पे दो माइनस दिखाते हैं, दो माइनस ऐसा, दो माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, दो माइनस मतलब दो पाई और एक पहले से था, तो तीन पाई नहीं हुआ इसके अंदर। बोलो। यस सर। तो ये एरोमेटिक हो गया। चलो ये बताओ जरा सा, इसको मान लो तुम वन टू कर लेते हैं, चलो वन टू और थ्री आंसर लिखना। तो वन का लिखना, अभी वन का क्या आंसर आ रहा है ये लिखो सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं आया है, एक का आया है प्रशंसा का, क्या नहीं प्रशंसा? सोचो थोड़ा अच्छे से, ऐसे हड़बड़ा के मत दो आंसर। अभिनीत तुम भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को लगाओ। सिमरन तुम्हारा तो आज एक भी आंसर सही नहीं है, गर्व करो अपने। एक था वो जो बीच वाला सबका गलत था, उसमें सही था मेरा सर। अभी गलत है तुम्हारा, ठीक है। सोचो ना यार क्या है मतलब, ये देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है यहाँ है, यहाँ कहाँ है, ये कार्बन पे कहाँ कुछ है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है मतलब, यहाँ पर देखो एक सिंगल बॉन्ड बना, दो सिंगल बॉन्ड बना और दो हाइड्रोजन मान लो ना यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, sp3 कार्बन हो गया ये, और sp3 हुआ तो नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो ये वाला बताओ, अब टू का आंसर दो जी। हाँ जी प्रत्युष बताओ तो जरा सा, क्या है ये टू, क्या है प्रत्युष? सर टू एरोमेटिक है क्योंकि क्योंकि हंग्स रूल से आप बताए थे दो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ दो इवन है। सॉरी सर हम वो क्या? सर वन थर्ड वाला असर हो गया एंटी और अरे सिंपल है ना, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? यस पाई बॉन्ड काउंट कर लो ना पाई बॉन्ड, तो अगर ऑड तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और अगर तो एंटी, और अगर कहीं पर भी sp3 कार्बन दिख गया तो वो नॉन एरोमेटिक, सिंपल तो चीज है एकदम। यस वाला मेरा सही था। कौशल कौशल तुम्हारा क्यों गलत हो जा रहा है बार बार बेटा? कौशल बाकी सब लोगों का सही है, कौशल का भी गलत था। अरे सिंपल है ना, यहाँ पे देखो ना एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, और ये तो वेकेंट पी और वाइटल है ना, इसमें पाई थोड़ी है,
तो ये घूम के भी कुछ नहीं करेगा। हाँ साइक्लिक रेजोनेंस यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तो चार ही इलेक्ट्रॉन, चार ही पाई इलेक्ट्रॉन तो हो पाएगा, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड ही तो आ पा रहा है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। हाँ जी तीसरा वाला बोलो, थर्ड वाला। ठीक है थर्ड वाला तो सबका सही है भाई, ये लोन पेयर है, ये तुम्हारा रेजोनेंस में आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है तो यहीं पे देखो, यहाँ पे होता क्या है ना कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, आगे चल के जब एसिड बेस पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे तुमको कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, तो क्या होगा ये हाइड्रोजन आराम से जो है ना ये तुमको एच प्लस यहाँ से लिबरेट कर देगा। और जब ये एच प्लस यहाँ से निकलेगा तो सोचो एच प्लस निकला तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर के तरफ, और इधर के तरफ जब शिफ्ट होगा है ना, तो जब सोचो ना अगर कोई बॉन्ड है ये H है और ये C है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो H निकल गया किसमें, H प्लस में, और C पे कैसा चार्ज छोड़ के गया, C पे माइनस चार्ज छोड़ के गया, तो यही पर यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है और ये काफी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है मीथेन, मीथेन में अगर हाइड्रोजन देखोगे तो वो उतना एसिडिक नहीं होता है, बट यहाँ पर ये sp3 कार्बन ही है लेकिन इसका हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये H+ रिलीज करता है तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग एसिड बेस में इसको देखेंगे स्पेशल केस के रूप में। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक हो गया तुम्हारा। क्यों, चूंकि यहाँ पर इसको दो मानो, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो और दो टोटल छह हो गया, तो ये हकल नंबर हो गया, इसलिए ये भी एरोमेटिक हो गया। चलो इसके बारे में बताओ क्या है, इसको भी वन लिख लो टू लिख लो, पहले वन का आंसर दो। हाँ जी श्रुति एक्सप्लेन करो जरा इसको, श्रुति। यस सर। क्या है ये वन नंबर, क्या है सर? एंटी एरोमेटिक है ये, एरोमेटिक है। तुम्हारा एंटी एरोमेटिक कैसे आ रहा है ये बता दो बस मेरे को। यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखता है क्या? दिखता सर ऑक्सीजन के पास तो, यस सर दो, ऑक्सीजन का छह इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट में। यस सर लोन पेयर, लोन पेयर है ना इसके पास। यस सर। तो दो लोन पे आठ हो जाएगा, चला जाएगा उसमें रेजोनेंस में। नो सर एक ही आएगा, एरोमेटिक आएगा ना, तो एक आ जाएगा, तो एक लोन पेयर आया, तो यहाँ से एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तीन ही तो पाई बॉन्ड की तरह दिख रहा है यहाँ पे, तो छह ही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। यस सर आएगा एरोमेटिक। चलो टू वाला बोलो जी जल्दी से, चैट में लिखो टू वाला। सर ये बीच में NH है कि? हाँ N मतलब ये N का, चूंकि यहाँ पर देखो N का क्या है, N तो तीन बॉन्ड बनाता है ना, तीन सिंगल बॉन्ड, तो NH हो गया, ऐसे NH लिखा हुआ है और ये ऐसे बॉन्ड है। इसको कोई लोन पेयर नहीं होगा? तुम बताओ, मैं क्या बताऊँ, मतलब तुमको नहीं पता है नाइट्रोजन के बारे में? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, पांच होता है ना कभी, पांच होता है, मतलब बीच बीच में ये परिचय देते रहते हो कि सर हम गधे ही। नहीं सर, अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो पक्का एरोमेटिक है, हाइड्रोजन के कारण नहीं होता तो पक्का एरोमेटिक है। और अभी क्या है? यस एरोमेटिक
है ना, यहाँ पर भी लोन पेयर है और लोन पेयर बहुत प्यार से जो है ना रेजोनेंस के अंदर जाएगा, यहाँ पे भी 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। अच्छा यहाँ बताओ सल्फर वाला केस, थर्ड वाला केस बताओ, सेकंड में तो सबका सही था, थर्ड वाला हाँ जी अभिनीत। यस सर। हाँ बेटा ये बताओ क्या लगता है तुमको, क्या है ये? एंटी एरोमेटिक है सर। क्यों ऐसा? क्योंकि सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सर, तो हाँ, दो लोन पेयर बनाएगा और दोनों कनेक्ट है सर। दोनों क्या हो जाएगा सर? वहाँ कनेक्ट है सर हाइड्रोजन से। दोनों कहाँ हाइड्रोजन से कनेक्ट है? दो लोन पेयर होता है तो दोनों कभी भी रेजोनेंस में नहीं आता है, क्योंकि एंगल उसको सपोर्ट नहीं करता है रेजोनेंस में, ठीक है? दो लोन पेयर होता है तो कभी भी दोनों लोन पेयर नहीं आ जाएगा उसके रेजोनेंस में, मैक्सिमम एक पेयर आता है हमेशा। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला भी जो चीज है ये वाला भी एरोमेटिक ही हो जाएगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही जो लोन पेयर है वो तुम्हारे रेजोनेंस में आता है। थोड़ा इसको दिमाग में रखना, इसका नाम है फ्यूरान, आगे चल के काम आएगा, डायरेक्ट लिख देगा कि फ्यूरान क्या होता है, मतलब एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाइरोल और इसका नाम है थायोफीन, और ये तीनों जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है। ठीक है ये तीनों एग्जांपल जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है। अच्छा इसके बाद जरा ये बताओ, हाँ ये बताओ जरा ये वाला जो है ये 4 नंबर मान लो, इसको 4 का बताओ, चैट सेक्शन में लिखो जरा क्या है ये। इस बार मेरा चारों सही था। हाँ अभिनव। यस सर। हाँ बताओ जरा ये क्या है? ये सर एंटी एरोमेटिक है। क्यों है ऐसा एंटी एरोमेटिक? सर नाइट्रोजन के पास सर लोन पेयर होगा ना सर? हाँ लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर रेजोनेंस में आएगा, तो रेजोनेंस में आएगा तो सर दो आना, जब इसके पास पहले से साइक्लिक रेजोनेंस है और वो एरोमेटिक है तो क्यों आएगा रेजोनेंस के अंदर? जब यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस पहले से ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरा साइकिल में रेजोनेंस में हो ही रहा है, पूरा साइकिल जब अपने आप को साइक्लिक रेजोनेंस में जाकर एरोमेटिक बना ही सकता है, तो ये लोन पेयर बीच में क्यों आएगा वहां पर उसको उसके एरोमेटिसिटी को भंग करने के लिए? एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया। यस सर बहुत स्टेबल होता है। बहुत स्टेबल होता है तो इसका मतलब है कि लोन पेयर का जब जरूरत पड़ेगा तभी वो इन्वॉल्व होगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो साथ ही से बैठा रहेगा वो। यस सर समझ में आ गई। लोन पेयर है ना ये वाला लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड हो गया, 1 2 3, इसका तो हकल नंबर पहले से ही पूरा है, तो क्या होगा ये बताओ? एरोमेटिक हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? पाइरिडीन है, ठीक है? तो पाइरिडीन जो हो गया तुम्हारा वो भी एरोमेटिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है? पाइरोल जो है वो भी एरोमेटिक। तो पाइरोल और पाइरिडीन का आगे चल के हम लोग बेसिसिटी कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा बेसिक होगा। कोई अभी थोड़ा हिंट दे सकता है कौन बेसिक होगा ज्यादा, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कोई थोड़ा भी हिंट दे सकता है कि पाइरोल और पाइरिडीन में ज्यादा बेसिक कौन होगा?
हाँ रोशन बोलो। पाइरिडीन होगा सर, क्योंकि इसका लोन पेयर इजीली डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल है, इसका लोन पेयर चला गया रेजोनेंस के अंदर, तो पहले से कम बचेगा वहां पे, वो खाली ही नहीं है कि वो दूसरों को दे सके। और बेस का मतलब लोन पेयर डोनर, तो इसका लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए कम दे पाएगा। और ये इसका लोन पेयर अभी है, इसलिए वो नहीं दे पाएगा। इसलिए ये इसका बेसिसिटी पाइरिडीन का बेसिसिटी पाइरोल से ज्यादा होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है कौशल, जो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर दे वो अच्छा बेस होगा। तो इसका मतलब कौन हुआ, ये वाला पाइरिडीन ज्यादा अच्छा बेस है देन क्या पाइरोल। अच्छा कौन मेरे को ये आंसर देगा, ये जो आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा कि बहुत बढ़िया, मतलब उसने अभी तक के कॉन्सेप्ट को समझा है। हाथ खड़ा करना, बताओ वन और टू में बेटर रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा होगा। प्रशंसा हाँ बोलो सर, वन और टू में वन हो रहा है बेटर रेजोनेंस, क्यों? यस सर, सर वन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा अपना, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन नहीं करेगा। सर नाइट्रोजन भी कर देगा, पर सर नाइट्रोजन के साथ एच टू होगा। हाँ कौन, कृष्णा बोलो। टू होगा सर, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़िया से उससे ज्यादा डोनेट कर पाएगा। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहाँ पे भाई, कि जब ये लोन पेयर देगा तो प्लस आएगा एन पे और प्लस आएगा ओ पे। अब बताओ ओ पे प्लस ज्यादा अच्छा है कि एन पे प्लस ज्यादा अच्छा है? एन पे, एन पे है ना। अच्छा चलो हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका आंसर देखते कौन देता है। चलो वन वाले में और थ्री वाले में मुझे बताओ कि ज्यादा अच्छा रेजोनेंस और ज्यादा अच्छा मतलब रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा होगा। कौन कौन आंसर, सिमरन बोलो। तो वन में होगा। अच्छा अंशिका, ये श्रुति तुम किसका आंसर दे रही हो अभी? हाँ कौन कहाँ गया जी, किससे पूछ दिए थे? अंशिका से कनेक्ट नहीं हो पा रही, उसका आवाज नहीं आ पा रहा है। हाँ धीरज बोलो। वन का होगा सर। वन का होगा। दिवाकर? वन का होगा सर। क्यों होगा ऐसा वन का? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ज्यादा है तो वन का होगा है ना सर। उसमें 2p2p ओवरलैप कर रहा है। 2p2p ओवरलैप कर रहा है गधो, ये बात ही बताना था यहाँ पे कि यहाँ 2p2p ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे 2p3p ओवरलैप हो रहा है, तो होना चाहिए ऑक्सीजन का बट होता है इसका। ठीक है, इसका कारण हम लोग आगे देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी के अंदर। ठीक है कि यहाँ पर इसका सल्फर के अंदर डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो अगर तुमसे वैकेंट डी ऑर्बिटल तो वहां एक्स्ट्रा रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी रहता है, इस वजह से वहां पर रेजोनेंस एनर्जी इसका इससे ज्यादा आ जाता है। खैर ये अभी कंफ्यूज मत हो, बट मैं ये चेक करना चाहता था कि तुम यहाँ बता पा रहे हो कि नहीं कि ऑक्सीजन और सल्फर में जो डिफरेंस है ओवरलैपिंग का डिफरेंस है, ऑक्सीजन के अंदर 2p ओवरलैप होगा, सल्फर के अंदर 3p ओवरलैप होगा, और बेटर कौन होता है बताओ तो कार्बन के साथ 2p ओवरलैप। तो होना चाहिए था फ्यूरान का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, लेकिन थायोफिन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। माइक ऑफ कर लो तुम लोग, चलो इस पॉइंट को अभी के लिए तुम लोग इग्नोर कर दो, बट दिमाग में रखो कि जब भी इस तरह का सवाल आए ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सबको कंपेयर करना हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सोचो। ऑक्सीजन और सल्फर को सोचना हो तो वहां पे तुमको देखना पड़ेगा ओवरलैप से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग टेंडेंसी से देखना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन है तो ओवरलैप कहाँ अच्छा होगा, फ्लोरीन के केस में होगा, ये मैंने पिछले क्लास के अंदर समझाया था। चलो ये देखो यहाँ पे ना एक टर्म हम लोग यूज करते हैं क्वासी एरोमेटिक, तो तुमको ये सब नहीं करना है, तुमसे अगर पूछेगा तो खाली एरोमेटिक ही पूछेगा। क्वासी टर्म हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब वहां पे पोलर कंपाउंड्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हो अगर, तो मतलब हम लोग क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। तो अगर मान लो जैसे ये फॉर्म अभी है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये तुम्हारा बाहर का सिस्टम है, तो अंदर में क्या सिस्टम है, अंदर में ये सिस्टम है तुम्हारा, मात्र अंदर में ये सिस्टम है, और ये वाला कार्बन क्या है sp2 है, लेकिन यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं बोलेंगे कि एरोमेटिक नहीं है, क्या करेंगे
ये चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है जो कि हाईली पोलर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के डायरेक्शन में। और ऐसा शिफ्ट करना इसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि ऐसा शिफ्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा बना लेगा O माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और ये तुम देखो ये वाला जो रिंग बना, अब ये वाला रिंग बताओ एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बोलेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और ये कैसा कंपाउंड है, पोलर एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। तो क्वासी वर्ड तुम लोग ना भी यूज करो, अगर क्वेश्चन में आए कि एरोमेटिक है कि नहीं तो लिख देना एरोमेटिक है। अच्छा उसी तरह से ये वाला बताओ, ये कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा, चैट में लिखो एरोमेटिक है कि नॉन एंटी एरोमेटिक, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये बताना है चैट में। इसके अंदर अगर पोलराइजेशन हो गया जो कि होता नहीं है, तो अगर इसके अंदर पोलराइजेशन अगर हुआ, ध्यान दो, अगर पोलराइजेशन हुआ तो O पे हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये मत सोचना कि O पे कभी भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये हम लोग दुष्कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जरा याद करो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो ही पाई बॉन्ड तो हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब कि यहां से यहां का ये प्रोसेस नहीं जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, फेवरेबल नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, ये वाला कंपाउंड जब पोलराइज ही नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, क्लियर है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई पोलर कंपाउंड होता है तो पोलर कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हाई होता है। क्यों, चूंकि डाइपोल मोमेंट है प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस से माइनस की तरफ ऐसा डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं। तो अगर तुमसे ये वाला कंपाउंड दे दे, ये वाला कंपाउंड, ये वाला, और बोले डाइपोल मोमेंट बताओ किस डायरेक्शन में होगा, मान लो ये कंपाउंड है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, हाई होगा, डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई। तो अगर कहीं क्वेश्चन में अगर पूछे कि डाइपोल मोमेंट किसका किसका हाई होगा, तो उसमें देखना कि वो कंपाउंड पोलर है कि नहीं, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो पोलर कंपाउंड है, इसलिए डाइपोल मोमेंट हाई हो जाएगा उसका। सो अगर तुमसे अगर ये एग्जाम्पल दे, जैसे IIT में एक क्वेश्चन था, देखो मैं तुमको दिखाता हूं, IIT में अभी कॉलम मैचिंग आया था, कुछ ही साल पहले आया था, देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल, यहाँ पर ये कंपाउंड है देखो, तो अभी जो कंपाउंड पढ़े वही वाला है कि कुछ बदल गया इसमें, वही वाला है सर, वही वाला है ना, वाला है। इसमें क्या क्या ऑप्शन लिखेंगे वन वाले के लिए, तुम ही बताओ। एरोमेटिक, एरोमेटिक तो है ना, और ये प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम लोग बाद में, लेकिन अगर मान लो डी में अगर ऐसा ऑप्शन होता कि हाईली पोलर कंपाउंड, तो लिखते कि नहीं लिखते, यस सर, यस सर, यस सर, लिखते, अगर मान लो ऐसा लिखते डाइपोल मोमेंट हाई, तो ये ऑप्शन होता कि नहीं होता, मोमेंट हाई होता है इसका, है ना, समझ के रखो इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड में स्पेशल फोकस दिमाग में रखेंगे कि बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, मोमेंट हाई हो जाएगा। माइक ऑफ कर, चलो ये वाला बताओ ये क्या है, चैट में लिखो, सर पिछले वाले में कुछ पूछना था। अच्छा बताते हैं उसमें क्या पूछना है सर, वहाँ रेजोनेंस सर नहीं होगा सर, रेजोनेंस मतलब किसमें रेजोनेंस नहीं होगा, पहला में कि दूसरा में, सर दोनों में तो सर दिख रहा है रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस हो रहा है तभी तो एरोमेटिक हो रहा है ना, कहाँ रेजोनेंस कराओगे, बाहर साइकिल के बाहर,
नो सर, हम लोग साइक्लिक रेजोनेंस देखते हैं ना बेटा, हमको बाहर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे, तुमसे कोई ये पूछे, मान लो देखो समझो, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन पूछ दियो तुम, लेकिन तुमको पता नहीं कि बढ़िया क्वेश्चन था, मान लो ये है, अगर बता दो ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये सर एरोमेटिक है। ये लोन पेयर अंदर आएगा कि नहीं आएगा रिंग के अंदर? सर नहीं आएगा। लोन पेयर रिंग के अंदर आएगा रेजोनेंस के, लेकिन जब एरोमेटिसिटी काउंट करेंगे तो सिर्फ इसको काउंट करेंगे। सिर्फ हमने क्या बोला एरोमेटिसिटी के लिए? साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। बाहर क्या है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं हमको, हमको साइक्लिक रेजोनेंस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, बट ये बाहर का पार्ट है ना, साइकिल का पार्ट नहीं है ये। तो हमको साइकिल कब आएगा? जब इस पे पोलराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद ये साइक्लिक रेजोनेंस में जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्लियर हुआ? समझ गए सर। हाँ तो ये वाला भी एरोमेटिक है भाई, ये फिनोल का आयन है, फिनोक्साइड आयन। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ बेंजीन पे फोकस करना है, बाहर पे कुछ चीज से मतलब ही नहीं हमको, हमको सिर्फ साइकिल के अंदर देखना है। हाँ जी, इसका आंसर मुझे ये बताओ, आयुष रंजन बताएगा। आयुष रंजन, काजल, यस सर, क्या है ये सर? वो एन वाले का ना, एन वाले का? हाँ बेटा, हाँ सर, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं है ये, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि सेम इसको ऐसे अज्यूम कर लिए हो तुम, इसको ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा है, पर तुम ये भूल गए कि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, औकात से बाहर है उसके। यस सर, यस सर, इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस का पार्ट ही नहीं बन पाएगा, और रेजोनेंस का पार्ट नहीं बन पाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन ऊपर से क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे पता चला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? चार बॉन्ड बना रहा है यार, देखो ना साफ सब लिखा हुआ है। यस सर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक बोलेंगे इसको, और इसको एक जैसा नहीं अज्यूम करो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये अलग है, यहाँ पे sp3 है, ये क्या हो गया तुम्हारा? नॉन एरोमेटिक यहाँ कंपाउंड बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, ऐसे कैसे जाम चलेगा? ये तो हम तुमको बता चुके, क्या नाम बताए थे इसका? पाइरिडीन। ये एरोमेटिक था, और क्या था? लोन पेयर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। हाँ चलो बताओ जी, ये वाला वन नंबर, टू नंबर, अभिनव। यस सर, क्या है ये पहला वाला? पहला वाला सर एंटी एरोमेटिक। अरे गधा है। सॉरी सॉरी सर, सर नॉन एरोमेटिक सर, आंसर सही लिखे थे कार्बन है। यस सर, आंसर सही लिखे थे, गलती से बोला, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ना? यस सर। ठीक है, ये बताओ ये क्या है? ये एरोमेटिक हो गया। ये एरोमेटिक हो गया है ना, इसको हम लोग ट्रोपीलियम आयन बोलते हैं, बहुत फेमस आयन है ये, ध्यान देना, ट्रोपीलियम आयन। सात मेंबर का रिंग है और पॉजिटिव चार्ज है, ये ट्रोपीलियम आयन है, और इसको ऐसे भी दिखाते हम लोग हाइब्रिड के रूप में, बेंजीन की तरह लिख दो बस, नीचे में एक उसका ये वाला बॉन्ड बड़ा कर दो, और ये इसको ऐसे लिखा जाता है, हाइब्रिड है ये, ट्रोपीलियम आयन है, बहुत आसानी से बनने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये रेजोनेंस मतलब यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है ये, है ना, ट्रोपीलियम आयन है ये। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा? ये वाला एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट होता नहीं है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर जब भी इसके पास लोन पेयर आता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को नॉन पोलर कर देता है। देखो ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी रिंग अगर सात है या सात से अगर ज्यादा है, सात है या सात से ज्यादा है अगर, तो इसमें क्या होता है ना, देखो समझो, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है कि नहीं?
जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने का पॉसिबिलिटी होता है तो क्या करता है ना कि एक मॉलिक्यूल के पास एक जीवन रेखा होता है, वो जीवन रेखा क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लेनर फॉर्म में लेके चला जाएगा, और नॉन प्लेनर फॉर्म में लेके जाने से क्या होता है, तुमको हमने क्या ऑर्डर बताया, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, फिर कौन सा नॉन एरोमेटिक, और फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी चीज जो है ना, अगर सात या सात से बड़ा है, अगर रिंग साइज अगर सात या सात से बड़ा है और अगर उसमें एंटी एरोमेटिक होने का चांस है, तो उसके पास एक जीवन रेखा इन द फॉर्म ऑफ नॉन एरोमेटिक, तो क्या करेगा, वो अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेगा, वो अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेगा, और नॉन प्लेनर बना के वो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है। इसलिए यहां पर जैसे ये लोन पेयर आया तो लोन पेयर रेजोनेंस में तो आएगा, लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा, नॉन प्लेनर बना लेगा, टब शेप में चला जाता है, और टब शेप में चला गया, नॉन प्लेनर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक, मतलब ये इसको जीवन रेखा मिलेगा जब ये नॉन प्लेनर बन जाएगा तो। और ये कब होगा, जब सात या सात से ज्यादा का कार्बन एटम्स हो, सात से ज्यादा का बड़ा रिंग हो अगर, तो उस केस में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनना तो उसका लास्ट अपॉर्चुनिटी है ना, जब कुछ नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो उसके पास एक मौका मिलता है किस फॉर्म में, अपने आप को नॉन प्लेनर बनाने में, और जैसे ही रिंग बड़ा होगा वो नॉन प्लेनर बना के अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उसी तरह से ये वाला चीज बताओ, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक की क्या बॉन्ड पोलराइज होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा सर, क्या लिखेंगे बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरोमेटिक होगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना, एरोमेटिक हो जाएगा, ये यहां से आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा, और ये जो अंदर में बना ये तुम्हारा ट्रोपीलियम आयन बन गया। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ट्रोपीलियम आयन बन गया तो इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। चलो ये बताओ ये क्या है, चैट में लिखो फटाफट, ये वाला ठीक है, वेरी गुड। यहां पर देखो ये कार्बन जो है तुम्हारा sp3 कार्बन है और ये वाला कार्बन भी sp3 कार्बन है, और हमको तो एक ही sp3 कार्बन चाहिए उसके नॉन एरोमेटिक होने के लिए, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये पता है ना तुमको, ये फेनाइल केटायन है, ये फेनाइल एनायन है, और ये तुम्हारा फेनाइल का फ्री रेडिकल है, फेनाइल मतलब बेंजीन वाला है ये बताओ तो ये तीनों क्या होगा, एरोमेटिक सर, ये सब एरोमेटिक है, एरोमेटिक होगा, ये सब एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि ना तो केटायन का कोई रोल होगा, ना तो एनायन का, ना ही फ्री रेडिकल का, अंदर में खूब रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस, बाहर वाले इसके कोई मतलब नहीं है इसको। और जब भी एरोमेटिक होने का मौका मिलेगा तो कौन छोड़ना चाहेगा यार, क्योंकि उसके साथ उसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटैच है। अच्छा ये देखो आठ वाला जो रिंग है, जैसे आठ वाला है, इसका नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा, अच्छा ये सब नाम हम तुम लोग देख लेना, साइक्लो ऑक्टा क्या लिखेंगे, टेट्राइन, है ना, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, ऑक्टा मतलब आठ है, टेट्रा मतलब चार डबल बॉन्ड है, और इन हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्यों, चूंकि सोचो अगर ये नॉर्मल होता तो क्या बनता बताओ, एंटी एरोमेटिक बन जाता, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर सात या सात से ज्यादा हो तो क्या मिलता है उसको, जीवन रेखा, किस फॉर्म में, नॉन प्लेनर बनने में, नॉन प्लेनर होने में, तो ये टब शेप हो जाता है। थोड़ा मैंने बनाया तो है यहाँ पे, लेकिन तुमको पता ही मेरा ड्रॉइंग स्किल कितना जबरदस्त है ना, कुछ इस तरह से बन जाता है, ये भी टब शेप में चला जाता है, ये ऐसा हो गया, तो ये भी तुम्हारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ध्यान रखना ये एट मेंबर रिंग है, इसको शॉर्ट में कॉट लिखा जाता है ना, कॉट और टेन वाला नहीं है ये कॉट, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है ये, और ये नॉन प्लेनर है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। चलो ये बताओ ये क्या है, लिखो चैट में जल्दी जल्दी,
ये हमारा एरोमेटिक हो गया, वेरी गुड। क्यों? चूंकि दो दो चार दो छह छह हो गया और ये डबल बॉन्ड इस तरह से आया, तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वही इस तरह से हम लोग बना देते हैं इसको, इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं। और कितना पॉजिटिव चार्ज? दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। ये बताओ ये क्या है, ये वाला? सर हाँ बेटा बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में भी तो आठ से मतलब आठ से ज्यादा ही। अरे तो एरोमेटिक होना उसके लिए अच्छी बात है ना, जब खराब होगा तब जीवन रेखा का इस्तेमाल करेगा। एक बात बताओ, जब इंसान स्वस्थ रहेगा तब क्यों वो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेगा, जब तबीयत खराब होगा तब ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेगा। तो ये जब स्वस्थ है ही तो इसको क्यों जीवन रेखा का जरूरत है, ये अपना प्लेनर कंडीशन रहेगा अपना मस्त वाला, जहां पे काम बिगड़ेगा वहां पे अपना लाइफ लाइन यूज किया जाता है। केबीसी नहीं देखती हो तुम, देखा करो वहां पे, जब आंसर आएगा तब लाइफ लाइन यूज करेंगे कि सर कंफर्म होना था। नो सर, कंफर्म तो क्यों यूज करेंगे, नहीं करें, जब एरोमेटिक है ही तो कोई दिक्कत ही नहीं, एरोमेटिक रहेगा। जब एंटी एरोमेटिक होने वाला रहेगा ना, तब जाके वहां पर वो क्या करेगा, अपना जीवन रेखा लाइफ लाइन यूज कर लेगा, नॉन एरोमेटिक, अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेगा वो। नहीं समझे? समझ गए। हाँ ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन को ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या, ये ऐसा बन जाता है। देखो कहीं पर अगर ऐसा दे और बोले कि बताओ जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो लिख देना ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला ही बन जाएगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो तुमको ऐसा दे देगा क्वेश्चन में कि ये है सोडियम या पोटेशियम, कुछ भी लिख लो, और बोलेगा ऐसा कर दिए तो प्रोडक्ट क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या, तो ये एरोमेटिक है। कैसे होता है इसको, ऐसे समझ लो, इसको क्या करो, ऐसा कर लो, देखो एक डबल बॉन्ड को ना तोड़ दो यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस दे दो और यहाँ पे प्लस दे दो। अब बताओ कार्बन पे अगर प्लस है, इसका मतलब क्या कि उसके पास छह इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इस सोडियम जो है हर सोडियम क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा, दो एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा ना, तो यही जो है कार्बन प्लस को कार्बन माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ माइनस था और ये पॉजिटिव चार्ज दो दो इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा इस सोडियम से और अपने आप को निगेटिव में लेके चला जाएगा। तो कितना पाई बॉन्ड हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच है मतलब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये हकल नंबर हो गया, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है, इसको बोलते हैं बोराजीन, बोराजीन, वेरी गुड। इनऑर्गेनिक बेंज सर एरोमेटिक होता है कि नहीं? यस सर एरोमेटिक होगा सर, बिल्कुल एकदम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ दो चार दो छह मतलब है ना, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन है, स्ट्रक्चर याद रखना। अच्छा इसमें देखो यहाँ पर क्या केस है, इसको जरा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करो। तो अभी के मेथड से क्या होगा, ये वन है मान लो और ये टू है, ये पिछले वाले में जो है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये जो बी है ना यहाँ पर भी एच होता है इसीलिए यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी आता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बोरोन का ऐसा कितना बॉन्ड बनाता है, बोरोन तीन बना सकता है ना, तो अगर चौथा बनाना है तो ये माइनस के साथ बनाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, हर हर एटम पे हाइड्रोजन रहता है। किसी का आंसर आया इसका, बताओ क्या होगा। देखो बोरोन के केस में जरा से याद रखो, बोरोन है तुम्हारे पास
तो बोरॉन क्या है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में तीन ही इलेक्ट्रॉन होता है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड अगर ये बना लिया तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये sp2, तो अगर ये sp2 है तो इसके पास एक pz ऑर्बिटल खाली रहेगा, और ये कैसा ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, वेकेंट pz ऑर्बिटल है ना। अब देखो यहां पर ये वेकेंट है और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस तो हो जाएगा पूरे साइकिल में, ठीक है, रेजोनेंस तो पूरे साइकिल में होगा, लेकिन ये कैसा बिहेव करेगा, कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करेगा, क्यों, चूंकि इसका जो ये जो तुम्हारे पास जो वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल है ये खाली है, वेकेंट है, इसका मतलब ये रेजोनेंस में आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि बोरॉन जो है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो चाह के भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो इसको तुम इस तरह से मान सकते हो, जहां भी बोरॉन आएगा उसको तुम मान लो कि वो इस तरह का केस है, ऐसा केस है वो बोरॉन वाला केस, ये और ये दोनों केस सेम ही हो गया एक तरह से। अच्छा नीचे वाला बताओ क्या होगा, टू नंबर, जल्दी टू नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड यार। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, देखे क्लास से पहले तुम लोग सबका आंसर गलत था, आ गया ना आखिर आंसर सही तक, तो ये लोन पेयर है, और ये क्या है, ये तुम्हारे पास इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसको काउंट मत करो, तो कितना हो गया, दो दो चार दो छह, छह पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ये, तो क्या बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, क्लियर है ना, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, होगा, क्यों, चूंकि बी जो है ना वो तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं समझना है कि बोरोन का कोई रोल नहीं है, बोरोन का रोल है, वो रेजोनेंस को कंप्लीट करने में रोल निभाएगा, वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल, तो साइक्लिक रेजोनेंस को यहाँ पे क्या करेगा, वो कंप्लीट करवा पाएगा, इसलिए बोरोन का रोल है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो इसको बताओ इसका क्या होगा आंसर फटाफट, ये एरोमेटिक वाला ना क्लास मेरे को ना यूट्यूब पे लेना चाहिए था, नहीं कितना मजा आता, तुम लोग भी बनाते एकदम आंसर देते सही रहता। यहाँ पे लोन पेयर इस्तेमाल कर लो, इसका एक लोन पेयर इस्तेमाल कर लो, कितना हो गया, दो दो चार दो छह, छह पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये वाला बताओ ये क्या होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्या ये वाला, बिल्कुल ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पे और ये भी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन है, पूरा साइक्लिक रेजोनेंस है, एरोमेटिक। ये बताओ ये एरोमेटिक होगा कि नहीं, इसको हम लोग स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं, बहुत फेमस एसिड है, इसका एसिडिक कैरेक्टर वेरी हाई होता है, स्क्वायरिक एसिड है, और यहां पर भी एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा सेम तरीके से एकदम। है ना, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा एकदम सेम तरीके से, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हाई होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव आएगा ना लोन पेयर वहां से सप्लाई करने लगेगा इलेक्ट्रॉन और पूरी तरह से साइकिल को कंप्लीट कर देगा, तो हाईली एसिडिक कंपाउंड है ये, स्क्वायरिक एसिड का एसिडिटी वेरी वेरी हाई होता है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे, जब हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, अभी के लिए बस ये याद करते चलो कि एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये फ्यूज स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पूरा मतलब फ्यूज सिस्टम को काउंट कर लो। फ्यूज का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा, मतलब वहां पे बेंजीन रिंग दिखेगा, तो क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच, तो पांच है इसका मतलब ये एरोमेटिक है, इसका नाम क्या है, एथिलीन है ये, ठीक है।
ये फ्यूज सिस्टम बोलते हैं, फ्यूज मतलब दो बेंजीन या दो से ज्यादा बेंजीन आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग एंथ्रासीन बोलते हैं। हाँ बोलो, ये वाला ये एरोमेटिक होगा कि नहीं, काउंट करो। यस सर, ये भी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा, ये बताओ ये एरोमेटिक होगा कि नहीं? नहीं सर, ये एरोमेटिक होता है गधा, ये बेंजाइन होता है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो उसका हिस्सा नहीं होता है रेजोनेंस का, ठीक है? नहीं समझे? सिर्फ अंदर क्या बोले, अगर वो कोशिश करेगा पूरी तरह से कोशिश करेगा कैसे भी करके एरोमेटिसिटी को बचा लेना है बस। तो यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये तुम देखोगे बेंजाइन के अंदर ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से आता है। तुम हम बताएंगे तुमको जब बेंजाइन पढ़ाएंगे, तो वहां तुमको बेंजाइन के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि बेंजाइन के साथ एक स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल फीचर होता है इसके साथ कि यहाँ पर इसका जो तीसरा ये जो पाई बॉन्ड ये वाला जो बना है बाहर वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बस मानो कि ये वाला रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, ये बस यहाँ और यहाँ यहाँ अंदर का तीनों रेजोनेंस करेगा, तो क्या होगा, ये भी एरोमेटिक हो गया। ध्यान रखेंगे इसको, ये सब जो एग्जाम्पल जहां पे तुम गलती करो इसको नोट करके रखो, है ना, इन सबको नोट करके।